हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बैकपैकर पर। आज हम आपको बताने वाले हैं शिमला से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपके अपने टूर को सफल बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फ़ के ठंडे पहाड़, सुहावनी झीलें, मनभावनी हरियाली, सुखद जलवायु, ये सब आपको एक साथ एक ही जगह मिल सकता है, वो है शिमला। यह शहर भारत देश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो ब्रिटिश काल की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने का ताज पहने हुए है। शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, हर साल लाखों की तादाद में यहां पर्यटक घूमने आते हैं। वैसे तो साल में कभी भी शिमला जाया जा सकता है, हर मौसम का यहाँ अलग मज़ा है। गर्मियों में ये ज़्यादा सुखद होता है, देश के विभिन्न स्थान में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में ये छुट्टी मनाने के लिए बेस्ट प्लेस है। ठंड में कड़कड़ाती सर्दी के बीच यहाँ स्नोफॉल का मज़ा लिया जा सकता है, जबकि बारिश में ये हिल स्टेशन हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। ऐसे तो शिमला आप तीनों माध्यम से आ सकते हैं जो दूसरे शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है। जुब्रहोती एयरपोर्ट शिमला के लिए निकटतम एयरबेस है, जहां पर अन्य बड़े शहरों से आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। पर्यटक कालका रेलवे स्टेशन से भी अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बड़े पड़ोसी शहरों से शिमला के लिए बसें भी उपलब्ध है। ऐसे तो शिमला में बहुत से होटल्स हैं, पर अगर आप सीजन के टाइम यहां घूमने आते हैं तो होटल्स की प्री बुकिंग करके ज़रूर आएं। और अगर आपको बजट टूर करना है तो आपको धर्मशालाओं में रहना पसंद है तो यहां पर आप 3 से 4 धर्मशालाएं हैं जहां पर आप रुक सकते हैं, पर इनकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती। माल रोड को शिमला का मुख्य मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे आप शॉपिंग, कैफे, थिएटर, रेस्टोरेंट जैसी सभी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। क्राइस्टचर्च शिमला के सबसे फेमस पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा विदेशों से कम नहीं होता। जाखू हिल शिमला की सबसे ऊंची जगह है। इस पहाड़ के शिखर पर पहुंचकर आपको शिमला की असली खूबसूरती का दीदार होगा और यहां पर आप 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। टॉय ट्रेन, शिमला जाकर टॉय ट्रेन की सवारी करना ना भूलें। इस टॉय ट्रेन में आप 96 किलोमीटर की लंबी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इस ट्रेन से दिखने वाले नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। दरिज शिमला के केंद्र में स्थित एक बड़ी और खुली सड़क है। यहाँ से आपको बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ के बाजार से आप यादगार चीजें की शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पर ही 3 Idiots मूवी का एक सीन शूट हुआ था। कुफरी शिमला के करीब स्थित एक हिल स्टेशन है। शिमला आकर कुफरी जरूर घूमें, यह जगह एडवेंचर करने वालों के लिए परफेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एंड आई वॉन्ट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सरपकर आए ओके।